चलिए लेट्स मूव। देखिए अभी अभी तक वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग और पंजीयन रजिस्ट्रेशन कार्ड अलग अलग होते थे, उनका प्रारूप अलग अलग था। भारत सरकार ने 2019 में समस्त राज्यों में गाइडलाइन बनाई थी कि यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन कार्ड जारी किए जाएं, जिनका प्रारूप पूरे भारत में एक सा रहेगा। मुझे खुशी है आज बताते हुए कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां यूनिफाइड ड्राइविंग पंजीयन रजिस्ट्रेशन में हमारा पहला राज्य बना हुआ है और ड्राइविंग लाइसेंस देने में हम यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस में देश का दूसरा राज्य बने हैं। उत्तर प्रदेश पहला है, दूसरे हमें, लेकिन दोनों साथ साथ करने में हम देश के पहला राज्य बने हैं। आज से ही पूरे प्रदेश में यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी तत्काल से ये पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी और इसके लागू होने के बाद नए QR कोड इसमें रहेगा, विशेष सीरियल इसमें रहेगा, बहुत सारे ब्लड ग्रुप इसमें रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें लोग छुपा नहीं सकते। हमारा एक मोबाइल से इसमें क्यू कार्ड रहेगा, मोबाइल ऑन करने से सारी फोटो के साथ उसकी जानकारी आ जाएगी। ये बहुत सारी सुविधा होगी और हमें खुशी है कि पहला राज्य हम इस दोनों यूनिफाइड लाइसेंस को जारी करने बने हुए हैं। राज्यसभा के चुनाव की सीटें खाली हो रही हैं, 26 मार्च को ये चुनाव होना है, 3 सीटें मध्य प्रदेश में खाली हो रही है, कांग्रेस दो लगभग कांग्रेस के। देखिए राज्यसभा के चुनाव होना है, ये राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया में वोट विधायक मंत्री लोग डालते हैं, लेकिन कौन प्रत्याशी हो ये चयन करना कांग्रेस हाईकमान का काम है और कांग्रेस हाईकमान जिस तय करेगा उसको हम लोग वोट डाल के चुनेंगे। दावेदारी आपको लगता है सिंधिया जी प्रबल दावेदारी? विजय सिंह जी हैं, सिंधिया जी। देखिए सिंधिया जी की दावेदारी है या नहीं ये तो आप, मैं नहीं बता सकता, लेकिन सिंधिया जी हर चीज के लिए राज्यसभा के लिए कैपेबल हैं, उनको जाना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष के लिए कैपेबल जाना चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है और मेरी व्यक्तिगत राय ही नहीं पूरे प्रदेश की इच्छा है कि सिंधिया जी को राज्यसभा और प्रदेश अध्यक्ष दोनों में जाना चाहिए। सर सरकार एक बार फिर से 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है, तकरीबन 19,000 करोड़ रुपए का। देखिए बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं सरकार के ऊपर और बहुत सारी हमने घोषणाएं की हैं जिनको हम अपने ही राजस्व पूरा कर रहे हैं, चाहे ऋण माफी वाली बात हो, चाहे फसलें नष्ट होने के लिए हमको 12,000 करोड़ का पैसा देना पड़ा, हमने अपने खर्चे से किया, लेकिन फिर भी जहां आवश्यकता होती है वहां हम अकेले ही नहीं हैं, पूरे देश का सिस्टम है कि सरकारें ऋण लेती हैं। भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, कोई भी व्यक्ति जो गरीब आदमियों को सताएगा वो बच नहीं पाएगा इस सरकार में। आज से नए लाइसेंस जारी हो जाएंगे, पुराने खत्म होंगे। इंडिया फर्स्ट न्यूज चैनल का किसान फर्स्ट ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, ये और अच्छा चले और किसानों को इस कार्यक्रम के माध्यम से अनेक योजनाओं से रूबरू होने का अवसर मिले और किसान को मार्गदर्शन हो सके, इस दृष्टि से इस पहल का मैं स्वागत करता हूं और किसानों को भी और चैनल के प्रबंधकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। किसान फर्स्ट के माध्यम से लगातार जो किसानों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो लगातार सरकार और हमारे विभाग के संज्ञान में जो है हमारे संज्ञान में लगातार लाई जा रही हैं और मैं बधाई देना चाहता हूँ किसान फर्स्ट को कि जिस प्रकार से वो पूरी ईमानदारी से और पूरी शिद्दत के साथ में किसानों की समस्याओं को, उनकी परेशानियों को उठाने का काम कर रहे हैं और हमारी संज्ञान में लाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं किसान फोर्स को बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।